का हमको सेकंडरी याद करना है, ठीक है। तो यहां देखिए 3x3 है, तो हम आगे ए का सेकंडरी याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हल में देखिए दिए गए आव्यूह ए बराबर 1 या दिया गया लिखो, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह 1 2 1 1 2 है, ठीक है, ये आव्यूह। अब इस आव्यूह का प्रत्येक अव्यूह का हम क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ए 1 1 का सेकंड कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिखते हूं 4 3 1, डायरेक्ट लिखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ऐसा लिखे बताओ, नहीं मतलब तुम्हारे समझने के लिए 1 2 1 मिनट लिख देता हूं, 4 - 3 = 1। फिर देखिए ए 1 2 का सेकंड कितना होगा हमारे पास, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 3 3 1 2 कितना होगा बेटा, 6 - 3 की जगह आएगी, 6 - 3 = -3, ठीक। फिर देखिए ए 1 3 का सेकंड कितना होगा, 1 3 ये आ गया, 3 2 1 1 = 3 - 2 = 1। फिर देखिए ए 2 1 का सेकंड, ए 2 1 किसकी जगह होगी, माइनस, ये अगर विषम आ रहा है तो आप समझ जाइए माइनस है, ए 2 1 ये आया, क्या हुआ 2 1 1 2 = -4 - 1 - 3, ए 2 2 ठीक का सेकंड बोलिए 6 - 3 1 1 1 2 1 1 2 ठीक = 2 - 1 = 1, ए 2 3 का सेकंड, ये माइनस आएगा क्योंकि ये विषम हो गया, ठीक है। अब बताइए कितना आएगा बेटा, 1 2 1 1 1 2 1 1 ए 2 3 ये है ना, ये गया, ये 1 2 1 1 1 2 1 1 -1 2 1 हो जाएगा, ठीक। फिर ए 3 1 का सेकंड बोलो कितना होगा, 2 1 2 3 ए 3 1 मतलब 2 1 2 3 2 1 2 3 कितना हुआ बेटा, ये 6 - 2 4 हुआ, और ऊपर निकाल लेते अपन, ठीक है, ए 3 2 का सेकंड कितना होगा, पहले तो माइनस आ जाएगा, माइनस आने के बाद बोलिए ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 1 3 3 1 1 1 2 ये इसको निकाल रहा ना मैं, तो 1 1 3 3 1 1 3 3 -3 - 3 0 0 में प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ए 3 3 का सेकंड क्या होगा बेटा, 1 2 3 2 1 2 3 2 कितना हुआ, 2 - 6 - 4। अब देखिए हमने जो दिए गए हमारे पास आव्यूह है उसका हमने प्रत्येक अवयव का सेकंड निकाल दिया, देखिए फर्क है, सेकंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर निकाल दिया। अब उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंडर्स मतलब जो दिया गया आव्यूह है उसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब हमने क्या किया, पंक्ति के अनुसार निकाला है, तो हम स्तंभ के अनुसार लिख देंगे, हम लिखेंगे सीधा एडजॉइंट ए, ठीक, एडजॉइंट ए, ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, ठीक है, जब 3x3 का है तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके 3 अवयव पहले स्तंभ में लिखेंगे, बाद के 3 अवयव दूसरे स्तंभ में लिखेंगे,
बाद के तीन अभिव्यक्ति से स्तंभ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले स्तंभ लिख रहा हूं वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री वन 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 माइनस थ्री वन वन और उसके बाद फोर आएगा, फोर जीरो माइनस फोर। ये हमारे पास दिए गए आवयव का सहखंडक है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल मेथड है अपने पास, अपने पास जो आवयव दिया जाएगा सबसे पहले अपन उस आवयव का क्या करेंगे, उस आवयव में जितने भी अवयव लिखे हैं उसके प्रत्येक अवयव का हम क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस आवयव को अगर हमने पंक्ति वाइज सहखंड निकाला है तो हम क्या करेंगे उसमें स्तंभ के अनुसार लिख देंगे, वो दिए गए आवयव का सहखंड हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो परिभाषा है उसमें आपने लिखा है कि आपको एक आवयव दिया गया है एन कोटि का, उसमें आप प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं जिसको कैपिटल ए आई जे से बताया आपने, ठीक है। उसके सारणिकों को एक परिवर्त आवयव के रूप में या उसके आवयव को एक परिवर्त आवयव के रूप में बदल दिया जाए। परिवर्त आवयव मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, तो हम बोलते हैं कि वो दिए गए आवयव का सहखंडज कहलाता है, ठीक है। आंसर आप चेक कर लीजिए, सही, ठीक है। तो यही मेथड है सहखंडज, खत्म। और क्या, यही तो करेंगे। अब इसके प्रगुण आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, आपके पास ये आवयव ए दिया गया है, दिया गया आवयव ए बराबर इतना लिखा है, इसके प्रत्येक अवयव का हमने क्या निकाला, सहखंड निकाला, ठीक। सहखंड निकालने के बाद आपको याद रखना है सहखंड में कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, प्लस की जगह क्या है, माइनस की जगह क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सहखंड निकाल दिया, थ्री क्रॉस थ्री है, तो पहले तीन अवयव क्या हुए हमारे पास, पहली पहले स्तंभ में आ गए, फिर दूसरे तीन अवयव क्या हुए, दूसरे स्तंभ में आ गए, फिर तीसरे तीन अवयव क्या हुए, तीसरे स्तंभ में आ गए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर स्तंभ के अनुसार निकालते, पहले इसका निकालते फिर इसका निकालते फिर इसका निकालते, तो उसको क्या करते पंक्ति के अनुसार लिखते, ठीक है। पहले तीन अवयव एक दो तीन पहली पंक्ति में लिख देते, फिर अगले तीन अवयव दूसरी पंक्ति में लिख देते, फिर तीसरे अगली तीन पंक्ति में लिख देते, ठीक है। तो ये दिए गए आवयव का सहखंडज निकालने का मेथड थी, ठीक। कोई इसमें दिक्कत, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सहखंडज के प्रगुण। सहखंडज के प्रगुण क्या हुआ, यदि ए एक वर्ग आवयव है तब, ठीक है, आपको मालूम वर्ग आवयव होगा तभी हम क्या कर सकते हैं उसका सहखंडज निकाल सकते हैं, अगर वर्ग आवयव नहीं होगा तो, ठीक है। यदि ए एक वर्ग आवयव है तब, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, ए इंटू एडज्वाइंट ए, अब यहां पर इसका क्रम बदल दिया है, एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आई जो यहां पर एक इकाई आवयव है और उसकी कोटि भी वही दी गई है जो ए की कोटि दी गई है। तो अपन किसी भी आवयव का, कोई आवयव दिया गया है अपन ने उसका सहखंडज निकाला, उसमें उसका गुणा किया पहले, फिर बाद में सहखंडज से आवयव ए में गुणा किया और उस आवयव ए का सारणिक निकाला, उसमें आई का गुणा किया, तो ये तीनों आपस में बराबर आते हैं, ठीक। उसके बाद इससे बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, जहां पर आई एक इकाई आवयव है तथा आई की कोटि ए की कोटि के बराबर। दूसरा देखिए इसी चीज को, यही फर्स्ट वाले को ही लिखा है हमने, यहाँ कोई नया नहीं है, जहां पर ए इंटू ए एडज्वाइंट एक्वल्स टू एडज्वाइंट ए लिखा, इस पूरे को अगर हम सारणिक ए से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी, इस पूरे को सारणिक ए से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर नीचे जो भाग दे रहे हैं, ये देखिए गलत देखा, यहाँ नीचे जो भाग दे रहे हैं उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, सारणिक ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी एडज्वाइंट, किसी भी आवयव का एडज्वाइंट निकाला, उसका सारणिक निकाला, तो सारणिक जो आएगा उसका जितना ऑर्डर होगा आवयव का उससे एक कम आएगा। अपने देखे ही अपन ने थ्री बाई थ्री का था, उसका अपन ने क्या निकाला एडज्वाइंट, ठीक, एडज्वाइंट ए निकाला, उसका जब सारणिक लोगे आवयव ए के सारणिक, आवयव ए के सारणिक
से उसकी जो घात होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये लिखा है यहाँ पर। तीसरा लिखा है यदि ये वर्गावयव है तो एडजॉइंट ए की पावर टी, मतलब हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए की पावर टी एक अवयव दिया गया है, उस अवयव का हमने परिवर्त अवयव निकाला, परिवर्त अवयव निकालने का उसका एडजॉइंट निकाला, तो वो एडजॉइंट ए जो अवयव दिया गया उसका सबसे पहले एडजॉइंट निकाला हमने और उसके परिवर्त के बराबर हुआ, ठीक। लास्ट वाला क्या है, विकर्ण अवयव अगर हमारे पास कहीं दिया गया है तो उसका सेकंडज, विकर्ण अवयव कहीं दिया गया है तो उसका सेकंडज भी विकर्ण अवयव होता है, ठीक। ये कंफर्म है, ये आपका चेंज नहीं होता। विकर्ण अवयव दिया गया है तो उसका सेकंडज क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये सवाल को शॉर्टकट छोटे छोटे में बड़े से बड़े सवाल को छुटा कर देते हैं। फोर्थ वाला ये है कि एक वर्ग अवयव ए दिया गया है, तो हमारे पास जैसे अवयव ए दिया है, एक कोई अवयव ए दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे। परिवर्त अवयव निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब उसका जब एडजॉइंट निकालेगा तो एडजॉइंट ए, ए की पावर टी, ये किसके बराबर होगा, जो अवयव दिया गया उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसके परिवर्त के बराबर होगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा, क्लियर है। तो अब इसके बाद देखिए सारणिक ए भी दिया गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है सारणिक ए का गुणा सारणिक बी के गुणे के बराबर होगा, ये इसका मतलब। इस दोनों के सारणिक ए दो अवयव ए और बी दिए गए, तो उनका अगर हम सारणिक निकाल लेंगे ए इंटू बी का गुणा करके सारणिक निकालेंगे तो उनके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा। इसी में आता है हमारे पास अगर एडजॉइंट ए बी लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक। तो ये जो होगा हमारे पास एडजॉइंट बी सारणिक है कि ये, ठीक है, बी इंटू एडजॉइंट ए होगा, ठीक। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ये जो चीजें हैं ये इस तरह से अपन को यूज आते हैं, ठीक है। बंद कर दिया। देखिए आवित्रुणी अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक वर्ग अवयव ए दिया गया है वो हमारे पास आवित्रुणी कब कहलाएगा, जब उसके डिटरमिनेंट का मान शून्य हो, ठीक है। उदाहरण देखिए हमारे पास जैसे एक अवयव ए दिया गया है 1 2 2 4, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप 1 2 2 4, क्या आएगा 4 - 4 = 0। तो यहां पर जो अवयव ए होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अव्युत्क्रमणीय, ठीक, इसका ध्यान रखना। इसके आगे एक पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक, उसमें यहां नॉन लग जाएगा, ठीक है। ये अव्युत्क्रमणीय आ लिखा है तो यहां नॉन नहीं लग रहा, ठीक है। चल बढ़िया। अब देखिए यहां पर अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ए वर्ग अवयव ए, एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि सारणिक डिटरमिनेंट ए का मान शून्य ना हो, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण ए बराबर जैसे 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा हमारे पास 1 2 3 4 4 - 6 - 2 जो होगा नॉन जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो अवयव होगा वो हमारे पास व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक। देखिए वहां आ लिखा था तो सिंगुलर था, यहां आ नहीं लिखा तो क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। आपको मतलब एक अवयव हमको दिया जाएगा, हम क्या करेंगे उसके प्रत्येक अवयव का पंक्ति के अनुसार, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, हम क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। हमने सेकंड निकाल लिया, अब उस सेकंड निकालने के बाद
हमने क्या क्या पंक्ति के अनुसार निकाला, अब हम उसे स्तंभ के अनुसार निकालेंगे। जैसे 2x2 का है तो पहले दो अवयव को एक स्तंभ पहले स्तंभ में लिख देंगे, बाद के दो अवयव को दूसरे स्तंभ में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिए गए अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इससे एक बड़ा बताते हैं आपको एग्जाम्पल। टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्राइसिस रेसिड्यू, या उसको आप बोलते हैं आपके जो किताब में लिखा हुआ है आव्यू शेषांश। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन कुल मिलाकर पढ़ रहे हैं यहां पर सहखंडज। सहखंडज से मतलब है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। किसी आव्यू को एक वर्ग आव्यू दिया गया है जिसकी कोटि एन है, मतलब वो वर्ग आव्यूह मतलब जिसकी कोटि n है, मतलब मालूम है उसमें n पंक्ति है और n स्तंभ है, तो उसको सारणिक a में कोई उसका सारणिक ले लीजिए, कोटि है मतलब आव्यूह दिया गया उसका क्या ले लिया हमने सारणिक। सारणिक में aij अवयव स्मॉल aij अवयव को सहखंड को प्रदर्शित करता है, मतलब हमने उसके क्या निकाले सहखंड निकाले। सहखंड निकालने के बाद आव्यूह a के सहखंडज आव्यू को आव्यू ए आई जी के परिवर्त आव्यू परिवर्त आव्यू मतलब जो सहखंड निकाले हैं उसको हमने क्या किया पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। तो जो आव्यू मिला हमारे पास उसको क्या कहते हैं सहखंडज आव्यू कहते हैं, दिए गए आव्यू का सहखंडज आव्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तो भाषा लिखी है आपके पास, ये तो ठीक है, इसका आप गणितीय व्याख्या अपने किताब से देख के लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ए बराबर हमारे पास एक आव्यू ये दिया गया 3-4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले सेकंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने निकाला A11 का सेकंड, A11 का सेकंड कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक, फिर देखिए A12 का सेकंड कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। ठीक, फिर बताइए A21 का सेकंड कितना आएगा 2, ये माइनस में आएगा ना सेकंड। ठीक, फिर A21 का कितना आएगा -2 आएगा, और A22 का सेकंड कितना आएगा बोलो 1 आएगा। तो अभी हमने क्या किया इसको पंक्ति के अनुसार निकाला है। ठीक, या तो इसको एक हम वो करें क्या नाम है इसको सारणी के रूप में तैयार करें। ठीक है, और उसका उसका परिवर्तन लें हम। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको देखिए पंक्ति के अनुसार निकाला और स्तंभ के अनुसार निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट ए जो आएगा हमारे पास 4-3-2-1, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब एक हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया, उस आव्यूह में क्या किया हमने प्रत्येक अवयव का सेकंड निकाल लिया। सेकंड हमने कैसे निकाला, पंक्ति के अनुसार निकाला। पंक्ति के अनुसार जब सेकंड निकाला तो उसको हमने क्या किया स्तंभ के अनुसार लिख दिया। अगर स्तंभ के अनुसार निकालोगे तो क्या करेंगे पंक्ति के अनुसार लिख लो। तो ऐसा जो आव्यूह होगा हमारे पास वो क्या होगा दिए हुए आव्यूह का सेकंड होगा। ठीक है, आप अपनी किताब से कोई एक उदाहरण छोटा सा उदाहरण पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में कोई छोटा सा उदाहरण है ये।